मैं अपना रखूंगी ना लास्ट में, ऐसे बाहर ही रखो, अभी इसमें सामान रखना है, तुम पहले अपना निकालो, जल्दी निकालो, लेट हो रहा है। सो देखिए इधर दिखाओ ना, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, मैं इसको भी रखता हूँ। राजेंद्र जो कि मोगा पंजाब के रहने वाले हैं, राजेंद्र अपने साथी के साथ नंबर 313 के अंदर के बात करने वाले हैं। राजेंद्र जो कि मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैष्णो देवी में लॉकर कहाँ पे आपको मिलेगी। आप मेरे लास्ट ईयर के जितने भी वैष्णो देवी के व्लॉग्स देखे थे, आप लोगों का सेम क्वेश्चन आया था कि लॉकर कहाँ पर है, आप प्लीज़ वो जगह बता दीजिएगा। तो वही चीज़ें मैंने आप इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि आपको लॉकर कहाँ मिलेगी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अपनी तरफ से मैंने भरसक कोशिश करी है आप लोगों को दिखाने की, बताने की। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लॉकर कहाँ मिलेगा आपको। सो गाइस, जैसे ही हम भवन पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और जहां से हमें लाइन लगानी पड़ती है माता रानी के दर्शन के लिए, वहीं पे बहुत सारे ऐसे लॉकर के नंबर लगे होते हैं, लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 3। तो आप देख सकते हैं यहां पे लॉकर नंबर 2 और 3 दिख रहा है, तो आपको यहाँ से ही एंटर करना है। और नीचे सीढ़ियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, तो सीढ़ियाँ क्रॉस करते ही आपको जाना है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी रहती है, तो जितनी लंबी लाइन लगती है माता रानी के दर्शन करने के लिए, उतनी भीड़ आपको लॉकर पे भी मिलती है। आपका लक अच्छा होता है तो इजीली आपको लॉकर मिल जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग भी पैदल चल के आते हैं उनके पैरों में थोड़ा दर्द होता है, तो आप थोड़ा संभल संभल के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। तो आप देख सकते हैं भाई सब जितने लोग चढ़ रहे हैं सबके पैरों में दर्द हो रहा है। तो क्योंकि क्या होता है, हम जब चलते हैं तो नॉर्मल पता नहीं चलता, बट जब सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं तो पैरों में दर्द होता है। तो ये सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद हम जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमें लॉकर मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस बारी मैंने पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करी, आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ में आ रही है। तो पूरा वीडियो फॉलो करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लॉकर मिलेगा, क्या होगा। और जैसे हम सीढ़ी से उतरेंगे, आप देख सकते हैं पूरा सीढ़ी खाली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा बहुत लंबी लाइन लगती है। और आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि आप देख सकते हैं गिन के 10 से 12 लोग होंगे लाइन में, और यहीं से लाइन लग जाती है। तो यहीं पे आपको लाइन में लग जाना है। वैसे तो ये लाइन लंबी होती है, सीढ़ियों पर पहुँच जाती है। कंघी अलाउड नहीं है। ये बाल में जो लगाया है ये क्या, ये सब रख देना। अरे यार, तो देना, कंघी कर लेते हैं इसमें से। क्या तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इतने ज्यादा खुश क्यों हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती थी ना कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम लॉकर में जा पाते थे। लास्ट ईयर हम चले गए थे लेकिन उसमें भी लंबी लाइन थी। और हमेशा क्या करते थे, हम एक शॉप पे अपना सामान रखवा देते थे, कुछ प्रसाद खरीद लेते थे और फिर अपना सामान वापसी में हम वहाँ से उठा लेते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन लगाने का इतना लंबा लाइन होता था कि हमें कभी मौका मिलता ही नहीं था कि हम यहाँ पे खड़े होकर इतने 2 घंटा 3 घंटा वेट करें। लेकिन आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, गिन के 10 से 12 लोग हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप लाइन में लगते हो ना, तो यहाँ पर लॉकर वाला जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ताला चाबी मिलता है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपका नाम पूछेगा और आपको एक ताला चाबी पकड़ा देगा, और जो नंबर पकड़ाएगा उस नंबर का आपको लॉक जाके खोल के उसमें अपना सामान रखना होता है। पहले तुम अपना सब सामान निकाल दे। हमारा सामान कुछ है ही नहीं, मोबाइल। हाँ तो उसमें बैग में रखोगे ना, बाकी कैश रख सकते हैं। अंदर होगा, उधर होगा।
उधर अंदर है। इधर देखो नितिन, मिली चलो अपने जल्दी से, मैं अपना रखूंगी ना लास्ट में, ऐसे बाहर ही रखो, अभी इसमें सामान रखना है, तुम पहले अपना निकालो, जल्दी निकालो, लेट हो रहा है। सो देखिए इधर दिखाओ ना, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, मैं इसको भी रखता हूँ, स्मार्ट वॉच रखूंगा अपने अंदर। और मेरा सच में क्या रखना है याद नहीं आ रहा मुझे, चप्पल के अलावा क्या रखना, फोन रखना होगा, जल्दी रखो लेट हो रहा है, फोन ऑफ कर देना अपना, नहीं मेरे पास जरूरत नहीं है, ऑफलाइन पे है मेरा, चप्पल निकाल लिया, चप्पल साइड पे रख, तो गाइस अब मैं फोन भी अपना रख देती हूँ इसलिए, क्योंकि फोन अलाउ नहीं है, तब इसके बाद की रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, ठीक है, चलो। तो हमारा दर्शन हो गया है और यही है लॉकर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, नंबर मिलेगा हमें, कौन सा नंबर मिला, 486 मिला, जल्दी चलो, ये अपना फोन निकाल लिया, फोन फोटो खींचो, ये निकाले देना होता है, वहाँ पे कुछ नहीं देना होता, टांग देना होता है, बन निकालो, बैग निकालो ना, चप्पल हाँ निकालो, हाँ मेरा, हमने चप्पल भी इसमें रख दिया था, चलिए फोटो खींचो। सो गाइस आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिलता डुलता वीडियो आप लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नॉल पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, बट आप लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया चोरी छुपके किसी तरीके से वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना होता है ये सब चीज़ें कि कहाँ पे हम कैसे रखें। सो आई थिंक अब तो कोई डाउट्स आपके मन में नहीं होगा, और लॉकर को लेके तो लॉकर से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में, और एग्जिट डोर से हम बाहर निकल रहे हैं, ताला चाबी हमने गार्ड भैया को दे दिया था जो कि वहीं एग्जिट डोर पे बैठे रहते हैं, और आप देख सकते हैं एंट्रेंस वाली लाइन कितनी लंबी हो चुकी है, तो सीढ़ियाँ भर गई हैं इस लाइन से, और जब हम आए थे तो गिन के 10 लोग थे, तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी उस टाइम, और ये भीड़ सिर्फ आधे से एक घंटे के अंदर की है, जब हम दर्शन करने गए थे तो सेम प्रोसेस था, एग्जिट डोर से हमें बाहर आना था, दर्शन करना था, लेकिन उस टाइम हमारे पास कैमरा नहीं था, फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो हमने सिर्फ जब हम सेकेंड टाइम वापस आए यहाँ पे दर्शन करने के बाद अपना सामान निकाला हमने, उसके बाद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी, तो उतने टाइम आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग गई थी। तो बस ये वीडियो इसीलिए बनाया गया था जस्ट बिकॉज के बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है लॉकर को लेके, सो इस व्लॉग के यहीं पे एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि सबको पता है माता रानी के दर्शन के टाइम हम बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दर्शन हो गया।